आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। ओके, तो कैंसर काफ़ी फैमिलियर टर्म है, मतलब सबने सुना है कैंसर क्या है, ये क्या डिज़ीज़ है, किस तरह की बीमारी है। ओके, ठीक है, जैसे स्मोकिंग करते हैं, टबैको लेते हैं, ठीक है, यूवी लाइट्स एक्सपोज होते हैं, कार्सिनोजन से एक्सपोज होते हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं, म्यूटेशन है, वायरस से हैं, ठीक है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो कैंसर क्या है? कैंसर है एक अबनॉर्मल सेल ग्रोथ। अबनॉर्मल क्या होता है? एक सेल है, एक डिवाइड होकर कितनी सेल बनाती है? दो। बट यहाँ पे अबनॉर्मल का क्या मतलब है? एक सेल है वो इस तरह से डिवाइड होना शुरू होती है कि वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मैनर से हाईली ग्रोथ शो करती है, हाईली प्रोलीफरेट करती है। ग्रोथ में क्या होगा? उसकी मास में इंक्रीज होगा, और प्रोलीफरेट का मतलब होता है कि डिवाइडिंग पावर, दोनों डिफरेंट टर्म है, ग्रोथ एंड प्रोलीफरेट। ग्रोथ मतलब इंक्रीज़ करता है वो अपना बायोमास, अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा, वो सेल अपनी नंबर इंक्रीज़ करेगी, और प्रोलीफरेट का मतलब होता है डिवाइडिंग पावर, उनका जो डिवाइड करने का जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये दो फैक्टर ही कॉज करते हैं ट्यूमर को, ठीक है। तो ये है एक वन लाइन डेफिनेशन फॉर कैंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि शुरुआत कैसे होती है, आरंभ, ठीक है। अब चाहे कैंसर यूवी लाइट के एक्सपोज में आने से हुआ हो, चाहे हमने कोई कार्सिनोजन या केमिकल कंज्यूम किया हो, या फिर किसी वायरस की वजह से हुआ है, क्रोमोसोमल की वजह से हुआ है, मतलब किसी भी तरह से कैंसर का फैक्टर्स हुए हों, बट प्रोसेस ये एक ही रहेगी। फर्दर ये इसी प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे जितने भी अटैक हैं कैंसर के। क्या होगा? सबसे पहले कि म्यूटेशन होगा। अब म्यूटेशन कहाँ होगा? ऑफ कोर्स जीन में। जीन कहाँ पर होते हैं? डीएनए पे। और डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में। ओके, तो मतलब अपने जीन में म्यूटेशन हुआ, चलिए हो गया। यहाँ पे मान लीजिए म्यूटेशन हो गया, चलिए हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा? जिस सेल में म्यूटेशन हुआ है वहाँ की सेल ग्रो करेगी, प्रोलीफरेट करेगी। भाई जिस सेल के डीएनए में म्यूटेशन हुआ है, सिंपली वो सेल अब अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, अब नॉर्मल तरीके से ग्रो करेगी, अपना मास बढ़ाएगी और बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगी। सेकेंड स्टेप क्लियर। इससे जो बनने वाला ट्यूमर होगा उसे प्राइमरी ट्यूमर या फिर बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। अभी ये वहीं पे ही है जिस सेल में हुआ है, उसने क्या हुआ है, सर्कुलेट करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी वो पर्टिकुलर उसी एरिया में, अपने नेटिव प्लेस पे, ठीक है, उसने प्राइमरी ट्यूमर फॉर्म कर ली। अब देखिए, जिसके केस में प्राइमरी ट्यूमर का पता लग जाता है उसको तो बहुत जल्दी क्योर मिल जाता है, मतलब काफ़ी जल्दी उसका क्योर हो जाता है, इलाज मिल जाता है उसको, बट हमें नहीं पता चलता है प्राइमरी ट्यूमर। ओके, एक ट्यूमर बन गई, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कैंसर की ही है, ट्यूमर के और भी रोल हो सकते हैं, और भी वजह हो सकती है ट्यूमर बनने की बॉडी में, कैंसर ही वजह नहीं है कि अगर ट्यूमर बन गया तो कैंसर ही हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आगे देखिए, कैंसर बनने की प्रोसेस देखिए आगे क्या होगा। रिलीज लाइटिक फैक्टर्स लाइक कोलेजनेज, मतलब कि ये देखिए, जैसे ये सेल है, ये सेल का ये बेस है जहाँ पर ये सेल अटैच होती है, मान लीजिए यहाँ पर सेल्स अटैच है, ये बेस लाइन मिला है, बेस लाइन है बेस, और ये सेल है पर्टिकुलर। अब इस सेल के डीएनए में क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, मान लीजिए इस सेल के डीएनए में म्यूटेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में ग्रो करने लगेगी, प्राइमरी ट्यूमर्स बनने लगेंगे। अब ये क्या है, अब इनको ट्यूमर ट्यूमर खेलना है, ये क्या होगी, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ने की कोशिश करेगी, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ने की कोशिश करेगी। इसके लिए ये एक तरह के एंजाइम को सीक्रेट करेगी, एक तरह के फैक्टर को सीक्रेट करेगी, कोलेजनेज, और भी हो सकते हैं। इनकी वजह से क्या होगा कि ये अपने जो नेटिव प्लेस है वहाँ से डिटैच हो जाएगी, वहाँ से डिटैच्ड हो जाएगी, वहाँ से फ्री हो जाएगी अपनी नेटिव प्लेस से जहाँ पे इनका ओरिजिन हुआ है। अब डिटैच होने के बाद कहाँ जाएगी, पूरी बॉडी ही इनका इलाका हो गया, अब तो ये फैल जाएंगी बुरी तरह से बॉडी के हर एक पार्ट में। बॉडी के हर एक पार्ट में कैसे फैलेगी, जहाँ जहाँ ब्लड होगा वहाँ वहाँ जाएगी, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो सेल है कैंसर कॉजिंग, ये अपनी ब्लड स्ट्रीम में इंसर्ट हो जाएंगी, और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ये ट्यूमर जाएगी, देन adhere टू अदर प्लेस और बॉडी, और फिर ये क्या होगी, जहाँ जहाँ ये रीच करेगी वो अपना अपना इलाका देख लेगी, और वहाँ ये जाके अटैच हो जाएगी, adhere हो जाएगी, और वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म कर देगी।
ग्रो करेगी, प्रोलीफरेट करेगी, ये बनेगा ही सेकेंडरी ट्यूमर, ये अब कहेंगे कि कैंसर हो गए थे। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस कैंसर का। ठीक है, अब जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए, ये दो टर्म इसे हमेशा याद रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है कि हमारे डीएनए में जब डैमेज होगा या फिर म्यूटेशन होगा तभी कैंसर होगा, तो अब ये दो तरीके से हो सकता है। या तो डीएनए में म्यूटेशन होने से या तो वो ओवर एक्टिविटी गेन कर लेगा, ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड करेगा, या फिर अगर डीएनए में ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि अपनी ही एक्टिविटी को बंद कर रहा है, जो वो काम करता है वही बंद कर देगा, या तो ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगा, ऐसा म्यूटेशन होगा, या फिर ऐसा म्यूटेशन होगा कि उसकी ज़रूरत है काम करने की बट वो काम ही नहीं करेगा। ये दो बेस है। ठीक है, पहले ओवर एक्टिविटी का पढ़ते हैं। ओवर एक्टिविटी में क्या है कि मान लीजिए ये डीएनए है और यहाँ पे हुआ है म्यूटेशन, डैमेज हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो यहाँ पे इस डीएनए ने गेन कर लिया फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, मतलब इसका काम था डिवाइड करने का, बट जैसे ही म्यूटेशन हुआ ये हाईली डिवाइड करेगा, हाईली डिवाइड करेगा ज़रूरत से ज़्यादा, देन फिर सिंपली क्या बनाएगा, ट्यूमर ही बनाएगा, और ये आगे ट्यूमर जाके क्या बनाएगा, कैंसर बनाएगा। ठीक है, ओवर एक्टिविटी के बारे में बताया ये मैंने यहाँ पे आपको कि अगर ऐसा म्यूटेशन जो उस पर्टिकुलर जीन की डीएनए की एक्टिविटी को बढ़ा दे, मतलब इसका काम था कि सिर्फ डिवाइड करना, पर जैसे म्यूटेशन हुआ, ऐसा म्यूटेशन हुआ कि इसने और फंक्शन गेन कर लिया कि अब तो मैं और हाईली डिवाइड करूँगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। ये जो मैं लिख रखे हैं आरटीके, रेस, एमएपीके, सेरीन, थियोनिन और जैकस्टेट, ये एक तरह की सिग्नलिंग है जो हम सिग्नलिंग में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, सिग्नलिंग है ये। नॉर्मली ये सारी की सारी सिग्नलिंग क्या काम करती है, ये काम करती है डिवाइड करने का, प्रोलीफरेट करने का, डिवाइड करने का और प्रोलीफरेट करने का है बॉडी में। ठीक है, सेल डिवीज़न करेंगे ये लोग। हाँ, बट अगर मान लीजिए आरटीके के डीएनए के जीन में, आरटीके की सिग्नलिंग में म्यूटेशन हो गया तो क्या करेंगे, ये हाईली डिवाइड करेंगे। इसी तरह इस सिग्नलिंग में म्यूटेशन हो गया, बिल्कुल हाईली डिवाइड करेंगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फंक्शन शो कर देंगे ये लोग। तो ये बहुत ही अच्छे साथी हैं कैंसर कॉज करने के, अगर इनमें म्यूटेशन कर दे तो। ठीक है, इन्हें प्रोटो ओंकोजीन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अंडर एक्टिविटी, मतलब ये हमारा है डीएनए, ये डीएनए यहाँ पे हो गया म्यूटेशन। अब इस म्यूटेशन से क्या हुआ कि जो इसका काम था, इसका जो काम था वो काम ही करना बंद कर दिया इसने। मान लीजिए कि ये जो जीन था वो बना रहा था कि वो जाके ट्यूमर सप्रेसर जीन का रोल प्ले करेगा, कि मैं जितनी भी ट्यूमर्स बनेगी उसको सप्रेस करूँगा, इनहिबिट का साइन है ये, इनहिबिशन का, जितनी भी ट्यूमर बनेगी मैं उसको इनहिबिट करूँगा, इसका नॉर्मल फंक्शन था ये। बट मैंने क्या कर दिया, म्यूटेशन कर दिया। आफ्टर म्यूटेशन अब ये कभी रोक पाएगा इसको, कभी नहीं, मतलब इसने अपना जो काम था, जो अपना रोल था, जो ये प्ले किया करता था, वो काम करना बंद कर दिया इसने। तो ये अंडर एक्टिविटी म्यूटेशन है। इसके एग्जांपल है P53, RB और P10, मतलब कि ये जो तीनों जीन हैं इनका फंक्शन होता है कि ट्यूमर को सप्रेस करना है। बट मैंने म्यूटेशन कर दिया इनमें, या फिर किसी वजह से म्यूटेशन हो गया, तो अभी ट्यूमर को कभी सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंड, दो अपन ने समझ लिया म्यूटेशन, गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन। एक है जो अननेसेसरी अपना फंक्शन गेन करके डिवाइड करते हैं और कैंसर करते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो इनका फंक्शन होता है वही लॉस कर जाते हैं, ये नहीं कर पाते वो फंक्शन। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे मसल सेल्स में अगर कैंसर होता है तो उसे सार्कोमा कैंसर के नाम से जाना जाता है, सार्कोमा बोलते हैं उस चीज़ के कैंसर को। अगर जर्म सेल में कैंसर होता है तो उस कैंसर को बोलते हैं टेराटोकार्सिनोमा। अगर एपिथेलियल सेल्स में कैंसर होता है तो उसे बोलते हैं कार्सिनोमास, और WBC उसे जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। ये कैंसर्स के नेम है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर्स हैं, ओरल कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स हैं, मतलब जैसे ओरल कैंसर का सिंपल एग्जांपल है स्मोकिंग। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं। सो थैंक यू।